सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स को होती है। एंड इसमें होता क्या है कि जब भी आप पढ़ रहे होते हो या फिर कोई और काम कर रहे होते हो, सडनली आपके ब्रेन में आता है कि यार ये टॉपिक मुझे याद नहीं रहता है या फिर इसके क्वेश्चन मुझसे हमेशा गलत होते हैं। एंड वो जब भी आपको याद आता है तो आपके दिमाग में एक टेंशन सी होती है एंड उससे एक आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी डाउन होता है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं ले सकता हूँ आपका, जैसे कि पीड्स के अंदर कोई भी टॉपिक, जैसे माइलस्टोन है, वो आपकी वीक है एंड उसके क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट गलत होते हैं। उनके बारे में जब भी आपको याद आता है तो आपको यही लगता है कि इसके क्वेश्चन में कैसे एग्जाम में सही करूंगा एंड इसकी वजह से ओवरऑल आपका एक कॉन्फिडेंस लो होता है। तो अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। तो अब मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, इससे अच्छा इसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। तो जैसे ही आपको ऐसा फील हो या फिर आपको याद आए कि मेरा वो टॉपिक वीक है एंड इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो आपको उसी टाइम पे क्या करना है, आप कुछ भी कर रहे हो उस टाइम पे सब छोड़ना है एंड आपको एक पेज लेना है एंड दिमाग में आपको एक चीज डालनी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो एंड आपको आज इस टॉपिक को, आपको आज इस टॉपिक का सारा टंटा खत्म करना है, आपको इसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि अपना बेस्ट देना है। तो आपको इस टॉपिक को खोलना है एंड इसकी एक बार रीड मारनी है एंड उसके बाद में आपको देखना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कहां कहां से पुट हो रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उस पेज के ऊपर जो भी पहले के जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लगता है भूल सकते हो एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबको नोट डाउन करना है। ये सब करने के बाद में जब आपका वो पेज पूरा हो जाए एंड आपको लगे कि मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज उसके ऊपर लिख ली है, तो आपको उस पेज को लेना है एंड आपको जहां भी आप रीड करते हो उसके सामने उसको चिपका देना है। अब चिपकाने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपको बार बार में उसे पढ़ने की जरूरत है, महीने में दो बार भी पढ़ते हो तो आप उसको एग्जाम तक चार बार पढ़ लोगे एंड वो आपका वीक टॉपिक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, जब भी नेक्स्ट टाइम आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी याद आएगा तो आपको एक रहेगा कि मैंने उसको चिपका के रखा है, नेक्स्ट टाइम आपको दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड आएगा तो आप उठकर सिंपली आप जाइए एंड जो आपने चिपकाया उसको देख लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा एंड आपका एक कॉन्फिडेंस है वो भी मेंटेन रहेगा एंड इन सब चीजों से आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समझ रहे हो। जहां आपका एक कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो रहा था वो कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होने लगेगा क्योंकि आपने ये वाला एफर्ट किया है एंड इसका एंड ये करने से आपको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड गाइज, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है यही कर आप एक अच्छे मार्क्स तक पहुंच सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे ब्रिलियंट माइंड बहुत सारे लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए, आपको अगर अच्छी रैंक लानी है उनको पीछे करना है तो आपको कुछ हटकर करना पड़ेगा, कुछ अलग से ट्राई करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी रैंक को धीरे 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 ऊपर करके ले जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हमारी रैंक इंप्रूव नहीं हो रही, तो आप ये छोटी छोटी चीजें ट्राई करिए एंड खुद को इम्प्रूव करते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।